सो है गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन कोडिंग डॉट कॉम। आई होप प्रीवियस सारे लेक्चर्स आप सबको समझ आए होंगे और आपने प्रैक्टिस की होगी। सो आज के लेक्चर में मैं आपको सीएसएस को लिंक्स को कैसे स्टाइल करें वो मैं बताता हूँ। तो हम लिख लेते हैं यार लेक्चर 15 लिंक्स। लिंक्स को कैसे स्टाइल करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ मैंने ए टैग लिख लिया, href लिख लेते हैं www.google.com google। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, एक बार रन करके देख लेते हैं कैसा लग रहा है। देख सकते हैं अभी कैसा लग रहा है। मैं गूगल का लिंक नेट से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं टारगेट भी दे देता हूँ, टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक। आपको बताना चाहूंगा टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक का मतलब एचटीएमएल में भी मैंने बताया था कि ये नए टैब में लिंक खोलेगा, उसी टैब में नहीं खोलेगा, नए में खोलेगा। तो स्टाइल दे देते हैं। अब स्टाइल के लिए मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले एक सिलेक्टर लिख लिया हमने, कलर लिख देते हैं इसका पिंक कर देते हैं। पिंक कर दिया जी कलर, अब देखते हैं कैसा लग रहा है। देख सकते हैं और इस पर क्लिक करते हैं, नई टाइम में गूगल खुल गया। अब मैं आपको थोड़ा और डीप स्टाइलिंग इसकी बताता हूँ। ए लिखा सिलेक्टर, फिर ये सिंबल लगाया हमने कोलन का, ओवर। ओवर का मतलब होता है कि इसके ऊपर जब हम कर्सर लेके जाएंगे तब मैं इसका कलर कर देता हूँ ब्लू। ये मतलब होता है जब हम ए पे हावर करेंगे तब का स्टाइल कुछ हमने चेंज करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं। ए पे जब हम होवर करेंगे, होवर मतलब ऐसे ऊपर लेके जाएंगे, तब का स्टाइल हम चेंज कर सकते हैं। दिखाता हूँ मैं आपको, रिफ्रेश किया ये देखिए, ए पे होवर करते इसका कलर क्या हो रहा है, ब्लू हो रहा है। देख सकते हैं आप, जैसे ही ऊपर लेके जा रहा हूँ कलर ब्लू हो रहा है ब्लू। और भी हम कर सकते हैं ऐसे, ए विजिटेड, विजिटेड का मतलब है जब एक बार हम लिंक पे क्लिक कर देंगे तब इसका कलर कर देंगे हम ग्रीन। एक बार लिंक पे क्लिक कर दिया तो कलर हो जाएगा ग्रीन। रिफ्रेश कर लेते हैं, देख सकते हैं हमने ऑलरेडी विजिट कर लिया इसलिए इसका कलर ग्रीन है, हमने पहले खोला था ना। देख सकते हैं, देखिए मैं आपको वापिस दिखा देता हूँ, हमने खोला हुआ इसलिए ग्रीन है। और ये अभी ग्रीन ही रहेगा, होवर करेंगे तब भी चेंज नहीं होएगा, तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। विजिटेड का मतलब अगर हमने खोला हुआ है टैब को पहले तो वो तो ए अंडरस्कोर एक्टिव, एक्टिव का मतलब है उसी टाइम जब लिंक क्लिक कर रहे हैं, जब लिंक क्लिक करेंगे तब हम कलर कर देते हैं रेड, रेड कर देंगे जी। तो जाके देखते हैं, रिफ्रेश करेंगे, देख लिए हावर पे ब्लू हो रहा है। अब जैसे क्लिक करेंगे रेड हुआ था, आप वापिस देख लीजिए हावर पे ब्लू, क्लिक करते ही रेड हुआ। देखिए ऐसे ही हम बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं होवर पे, जैसे होवर पे या नॉर्मल कहीं भी हम ऐसे जो भी सीएसएस का स्टाइल है हम यहाँ लगा सकते हैं। बैकग्राउंड कलर हम इसका कर देते हैं ब्राउन। कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे, ब्राउजर में जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, देखिए अब देखिए बैकग्राउंड कलर ब्राउन भी हो रहा है साथ में वो भी हो। सारे सीएसएस के स्टाइल हम यहाँ लगा सकते हैं, इवन टेक्स्ट डेकोरेशन, बैकग्राउंड कलर आपको बता दिया। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। इन केस ऑफ एनी डाउट्स एंड क्वेरीज यू कैन पुट दैट इन क्यू एन ए सेक्शन।